पहाड़ी क्षेत्र के कफोटा में आए दिन चोर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात एक गाड़ी का बोनट तोड़ने की कोशिश की और एक दुकान के ताले व शीशे तोड़कर 17,000 नकदी चुरा कर ले गए। क्षेत्र के गरीब लोगों में काफी खौफ पैदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पर रात के समय पुलिस कर्मी न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। यदि सिरमौर पुलिस के मुखिया ने इस पर कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया तो यहां पर बड़ी दुकानों पर भी चोर हाथ साफ कर सकते हैं। मकान मालिक का कहना है कि रात के समय चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे मेरा 8-10 हजार का नुकसान हो गया है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले दुकानदार की दिन भर इतनी ही कमाई होती है, पर ऐसे में अगर चोरों के हौसले बुलंद होते गए तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। पिछले साल लगभग पुलिसकर्मी की ड्यूटी नाइट में यहां लगी थी, पर अब कोई भी पुलिसकर्मी यहां नजर नहीं आता, जिसके कारण यहां पर चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। दुकानदार ने कहा कि शटर का ताला तोड़कर 5,000 रुपए चोर रफू चक्कर हो गए और इन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए यहां पर प्रशासन का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर जल्द से जल्द पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, ताकि हमें चोरों से राहत मिल सके। रात्रि अब इस समय का कोई पता नहीं है, लेकिन कल रात को मेरे यहाँ पे गाड़ी तोड़ी गई है, जिसका मतलब यहाँ पे आपको दिख भी सकता है। यहाँ पे बैटरी निकालने की उन्होंने कोशिश की गई, और जिससे मेरा मतलब कम से कम 7-8 हजार का नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ एक दुकान का उन्होंने ताला तोड़ के उन्होंने शीशे तोड़ने का प्रयास किया है, शीशा भी बिल्कुल टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है। और उसके बाद कुछ आवाज़ के कारण वो जो लुटेरे थे वो भाग गए यहाँ से, और मेरे गले से भी यहाँ पे पैसे उठाए गए हैं, 5-6 हजार रुपये वहाँ से भी गायब है। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन पिछले साल तो रात्रि का भी वो समय देते थे, लेकिन अब एक वर्ष हो चुका है, एक वर्ष में पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो रात्रि को भी यहाँ पे आकर और पूरे कफोटा में देखे कि यहाँ पे चोरी की वारदातें हो रही है, तो आपको ये सब कुछ जानना आवश्यक है। कफोटा व्यापार मंडल के सदस्य ने कहा कि यहाँ पर पहले भी काफी चोरियां हुई थी, पर उस समय पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को पकड़ लिया था। जब से पुलिस कर्मी ड्यूटी से हटाया गया है, उसके बाद फिर से यहाँ पर लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। यहाँ पे काफी समय से जो चोरियां हो रही थी, तो बीच में काफी जैसे पुलिस का आना हुआ तो काफी रोक लगी थी। यहाँ पे पीछे काफी दिनों तक चोरियां की वारदात हुई, शरिया गाड़ियों के टायर इत्यादि काफ़ी चोरियां हुई, लेकिन कुछ समय के बाद चोर पकड़ने के बाद यहां पे काफ़ी राहत हुई। लेकिन जब से पुलिस प्रशासन के लोग यहां पे नहीं है, डिप्टीज नहीं है, तब से यहां पे काफ़ी चोरियों की वारदात हुई है। अभी गत दिनों पीछे परसों की बात है, एक जगह ताले काटे गए और मुझे सूचना मिली कि बैंक के पास भी गए थे, ताले काटने की कोशिश करे लेकिन नहीं कटे। यहां पे काफ़ी कार्यालय है सरकारी, दो बैंक है, एक कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, IPH सब डिवीजन है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का आना होता है, और यहाँ पे लगभग 150 से ऊपर की दुकानें हैं व्यापारियों की, तो यहाँ पे काफ़ी चोरों का डर है। तो मेरी मांग है पुलिस प्रशासन से और सरकार से कि यहाँ पे पुलिस की चौकी खोली जाए, अगर चौकी ना तो यहाँ पे पुलिस वाले की नाइट में ड्यूटी लगाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार।